अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में डाकुओं ने डकैती मसामत पर मारूफ कव्वाल शेर मियां दाद और उनके बेटे को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। कव्वाल शेर मियां दाद फैसलाबाद के करीब चक नंबर 4 रोड से कवाली करके वापस आ रहे थे कि डाकुओं ने वारदात कर डाली। शेर मियां दाद ने मजामत की तो डाकुओं ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मोबाइल फोन और 2 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। आरपीओ रिफत इकबाल ने वाकये का नोटिस लेते हुए सीपीओ सुहेल अहमद से रिपोर्ट तलब कर ली है और जल्द डाकुओं की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया है। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाकया पेश आया है फैसलाबाद में, जहां पर मशहूर कव्वाल को फायर करके जख्मी किया गया है। कव्वाल शेर मियां दाद फैसलाबाद के करीब चक नंबर 4 रोड से कवाली करके वापस आ रहे थे कि डाकुओं ने वारदात कर डाली। शेर मियां दाद ने मजामत की तो डाकुओं ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शजरुद्दीन। शजरुद्दीन, इस अफसोसनाक वाकये की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल असद, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। गुज़श्ता रात जो है शेर मियां दाद जो थे फैसलाबाद चक 4 में परफॉर्मेंस के बाद 3 बजे के करीब वापसी के लिए निकले, तो उसी गांव में चक 4 के 4-3 गलियां छोड़ के उसी गांव में 2 नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी के सामने और उन्होंने उन पर शदीद फायरिंग कर दी, क्योंकि शेर मियां दाद ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे हुए थे और जो नामालूम अफराद की गोली थी तो वो उनके दिल के करीब से छूकर निकली और उनको शदीद जख्मी कर दिया, जिसमें उनकी पसली जो है डॉक्टर के मुताबिक वो डैमेज होगी बुरी तरह और उनको फौरी तौर पर मकामी अस्पताल जाया गया जहां पर उनका ऑपरेशन किया गया। अब डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत जो है वो बिल्कुल बेहतर है और उन्हें फैसलाबाद से लाहौर डॉक्टर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उनका इस वक्त जो है सीटी स्कैन जो दोबारा किया जा रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक वो चंद रोज तक डॉक्टर हॉस्पिटल में रहेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उनका जो बेटा है वो भी जख्मी हुआ है और उसके हाथ पे भी गोली लगी है, जबकि जो ड्राइवर है वो महफूज रहा है और जो दूसरे उनके हमनवा थे क्वाली के लिए गए हुए वो भी महफूज रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि डॉक्टर अस्पताल में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है और वो महफूज हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। ट्रंप और जो बाइडेन का आखिरी